पे देख सकते हो ये पोस्ट है, पोस्ट ESTD सेकंड 6.62 MD, क्या है ये? सादुल सादुल्ला BS SL कपूर। तो अभी हम यहाँ पे नए पोस्ट के बाद पहुंच चुके हैं। 1962 में यहाँ पे हमारे सेनाओं के असम राइफल के 12 जवान वो यहाँ से चाइना सर काट के ले गए थे ऐसा बोला जाता है। इसी के उसमें यहाँ पे एक छोटा सा ये शिला लेक टाइप का बनाया गया है और यहाँ पे इस श्रद्धांजलि के लिए हम लोग नमन करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितने खूंखार जगह पर रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये घास, अभी बर्फ पिघलने वाला है तो यहाँ से घास जड़ी बूटियां बहुत सारे चीजें हमें दिखाई देगी। फोन में ज्यादा स्पेस ना रहे, फोन की मेमोरी ठीक है। बर्फ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें एक फूल खुलेगा अभी आपके ये जून जुलाई के महीने में। देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा चारों तरफ फूल ही फूल होगा। अभी आप देख सकते हो हम लोगों का पोस्ट बहुत ही दूर, यहाँ से कैमरा में जूम करने के बावजूद भी दिख रहा है। यहाँ से हम लोग आए हैं इतने दूर रास्ता तय करके, तो चलते हैं हम आगे। रास्ता बहुत ही खराब है, यहाँ पे पैर फंसने की आशंका ही ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में ऊपर देखते हैं क्या क्या हालत कैसा है, जमीन की बनावट कैसी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वीडियो शूट करेंगे। हो सकता है कुछ महीनों बाद मेरा एक नया YouTube चैनल आए और उस पर ये वीडियो अपलोड हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इंडियन आर्मी की लाइफ के बारे में कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, कैसे कैसे सिचुएशन में मौसमी हालातों से लड़ना पड़ता है। तो प्लीज़ कृपया करके इंडियन आर्मी को सपोर्ट करें, ना कि उनकी अपेक्षा करें। हमारे सबसे आगे हमारे लंगर कमांडर है और हमारे साथ एक हमारा नया फ्रेंड CG भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे जैसे हम पहाड़ की चढ़ाई ऊपर चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं बर्फ कितना, हम सोच रहे हैं आते ऊपर स्लाइडिंग करके आए, देखते हैं क्या होता है, पहले एक बार ऊपर पहुंच जाए। असम के इस पोस्ट में थोड़ा ऊपर हम लोग भी पहुंच चुके हैं।